हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक आजकल के सिनेरियो से बहुत रिलेट करता है कि बच्चों का जंक फूड खाना कैसे कम किया जाए। बंद तो नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कम कर सकते हैं। कैसे, म्यूजिक के बाद देखते हैं। बच्चों के जंक खाना बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है फूड एडवर्टाइजमेंट। बच्चों को कहाँ से पता लगती है नई नई चीजें, एंड ये एड्स सिर्फ बच्चों की नहीं मदर्स के इमोशंस को भी टारगेट कर रहे होते हैं। आपका बच्चा दुबला है, ये पिलाइए, हाइट नहीं बढ़ रही है, ये पिलाइए। एंड मार्केट एंड मॉल्स, दे आर तो लोडेड विद अट्रैक्टिव जंक्स। उनकी पैकेजिंग इतनी खूबसूरत होती है कि ना चाहते हुए बच्चे अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। ऊपर से आजकल हर चीज में टॉय अलग से डाल के देने लगे, तो बच्चों को खाने का आकर्षण हो ना हो, वो टॉय के लिए उस पर्टिकुलर चीज को लेना चाहता है। दूसरा, फूड लेवलिंग इस तरह की होती है, रिच इन विटामिन एंड प्रोटीन से भरपूर मैगी। तो इन सब से बच्चों को बचाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि स्लोली स्लोली बच्चों को ही इस बारे में एजुकेट किया जाए। अनहेल्दी फूड को लेकर जो भी बातें हमारे माइंड में चलती है, हम वो बच्चों को बताएं। कभी अगर हम बच्चों के साथ सुपरमार्केट जाएं तो उन्हें इंग्रेडिएंट देखना सिखाएं और उन्हें दिखा के सुना के इंग्रेडिएंट पढ़ें कि अच्छा इसमें तो ये है, इसमें तो वेरी अनहेल्दी, तो आप लेना चाहोगे। बच्चों को डिसीजन लेने दें, प्लस उन्हें बताएं कि कंपनीज इतने अट्रैक्टिव एड्स क्यों बनाती है, सच में तो वो टॉय वैसा नहीं निकलता जैसा कि टीवी में दिखाते हैं। प्लस किस तरह से इनमें सिंथेटिक कलर्स, आर्टिफिशियल विटामिन ऐड किए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके लिए हम सिंपली केमिकल बॉडीज ले सकते हैं कि इनमें केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स। और बच्चों को ये सब सिखाने का, समझाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें कुछ सेलेक्टेड वीडियोस दिखाए जाए। YouTube पे भी काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है रिगार्डिंग दिस, तो हम उन्हें वो दिखा सकते हैं, क्योंकि देखने से बच्चे डीपली समझ पाते हैं। दूसरा, घर में जंक फूड का स्टॉक ना रखें। मार्केट जाते हैं, मॉल्स जाते हैं और वहाँ से ट्रॉली भर भर के नमकीन, बिस्किट, चिप्स, काफ़ी सारे सामान ले आते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ ओपन में रखा होता है और जो चीज़ हमारे माइंड में नहीं चल रही होती लेने की वो भी दिख जाती है, हम ले लेते हैं। और ऐसे में बच्चों को रोकना तो और ही मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें मॉल्स कम से कम जाए। इतना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मॉल जब हम जाते हैं तो वहाँ ना सिर्फ जंक फूड बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ले लेते हैं जो कि हमें शायद अभी ज़रूरत नहीं है। तो ट्राई करें कि ग्रोसरी वगैरह लोकल मार्केट से ले लें, या ऑनलाइन भी आजकल काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। इससे आपकी एनर्जी भी बचेगी और आपकी सेविंग्स भी बचेगी। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए घर में खाने के कुछ ऑप्शंस हमेशा होने चाहिए, ताकि जब भी उन्हें लगे कि दिस इज लाइक हिम सम फन फूड, कुछ खाना है, कुछ चबाना है, तो दे कैन मंच। और हमारे इंडिया में तो वैसे भी हमेशा से घरों में काफ़ी कुछ बनाया जाता रहा है, लाइक अलग अलग तरह की मठरी, चिक्की, चकली और शकरपारा, मिनी समोसा, कचौरी, पफ्ड राइस, पापड़ एंड होममेड स्वीट्स हो गई, जैसे बेसन के लड्डू, आटा लड्डू, दाल के लड्डू और गोंद के लड्डू भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को जो भी पसंद है स्वीट या साल्टी उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें फ्राइड हो सकती है, बट मार्केट के खाने से कई गुना ज़्यादा हेल्दी है। तो हमें ये सोचने के बजाय कि बच्चों को फ्राइड कम खिलाना है, ये ज़्यादा सोचना है कि बच्चों को बाहर का कम खिलाना है। यहाँ एक टिप जो मैं यूज़ करती हूँ कि बच्चों के लिए हम जो भी बनाएं उसे ऐसी जगह रखें जहाँ बच्चे देख ना पाए, क्योंकि दिखते रहेंगे तो कभी भी खाते रहेंगे और उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर कभी बच्चे बोलेंगे कि मम्मा कुछ इंटरेस्टिंग खाना है और हम कहेंगे बेटा ये खा लो, तो वो कहेंगे नहीं मम्मा ये नहीं, कुछ और लेके आओ। तो जिस दिन बन रही है उस दिन तो दें ही, बाकी किसी बिना दिखने वाले डिब्बे में भर के रख दें। फिर जब कभी बच्चों को एकदम से याद आएगा कि मम्मा कुछ टेस्टी बना दो, कुछ अच्छा सा खाना है, तो हम उसी चीज़ का कुछ क्रिएटिव तरीके से दे सकते हैं। जैसे मठरी रखी हुई है हमारे घर में जो कि अधिकतर घर में बनती है, तो उसे हम कभी ऐसे ही दे दें, थोड़ा थोड़े दिन के गैप में दें, और कभी उसको केचप के साथ दे दें, या कभी उसका पापड़ी चाट टाइप बना के दे दें, उस पर चटनी डाल के, दही डाल के, नमकीन, नींबू, हल्का सा हरा धनिया डाल के, और अच्छे से प्रेजेंट करें कि उसके साथ एक जूस का ग्लास दें, तो ट्रे में लेके जाए, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को चाहिए तो होगा। ये तो हम समझते ही हैं कि थोड़े थोड़े दिन में कुछ टेस्टी क्रिस्पी चटपटा खाने का मन होना इज़ नॉर्मल, क्योंकि हमारी सोसाइटी का कल्चर ही ऐसा हो चुका है शायद, बाहर का खाना हम काफ़ी खाने लगे हैं, बढ़ गया है पहले से। तो हम इंतज़ाम करके रखें, अच्छे अच्छे स्नैक्स बना के रखें, ताकि बच्चों की टमी के साथ साथ माइंड भी फुल हो जाए, मन भर जाए, उनको जी भर जाए। एक और काम हम कर सकते हैं कि टाइम पीरियड डिसाइड करें बच्चों के साथ मिलके, कि एक वीक में एक बार आपको चॉकलेट मिलेगी,
दो वीक में एक बार आपको चिप्स, क्रैक्स या कुरकुरे जैसी कोई चीज मिलेगी। तीन वीक में एक बार आपको मैगी मिलेगी। यू नो, बच्चों की फूड हैबिट के अकॉर्डिंग इस तरह से डिसाइड कर लें, और बच्चा जब इन्हें फॉलो करे तो उसे शाबाशी भी दें और उसे समझाएं कि इस तरह से आप इंटरेस्टिंग खाना इंजॉय भी कर पाओगे और आपकी हेल्थ पर भी इफेक्ट नहीं आएगा, आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। इस तरह से मिडिल पाथ अपनाना है, एकदम एक्सट्रीम में नहीं जाना है कि नो जंक फूड अलाउड एट ऑल। सो बीच का रास्ता निकालना है। बीच का रास्ता निकालने से कोई भी प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है। लास्ट पॉइंट जो कि हम सबको पता है, और इसीलिए मैंने ये लास्ट में लिया है कि हमें भी नहीं खाना है। यू नो, इट्स अ जॉइंट एक्टिविटी। और यही नहीं, कोई भी हैबिट जो पूरी फैमिली फॉलो करती है तभी बच्चे कर पाएंगे। अदरवाइज कभी पापा को पिज्जा खाने का मन है, कभी मम्मा को बाहर के खाने का मन है, तो बच्चों में हेल्दी फूड हैबिट कैसे डेवलप हो पाएगी, वो तो जो देखेंगे वो सीखेंगे। सो लेट्स मेक मोर होममेड क्रिस्पीज एंड कुकीज। और इसमें सबसे बड़ी हेल्प करेगा यूट्यूब। कितनी तरह की चीजें हम सीख सकते हैं नई नई, तो टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज करें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन दें, अलग अलग तरह के ऑप्शन दें, ताकि उनको जो टेस्टी यमी क्रिस्पी चटपटा खाने की कमी फील ना हो और हम सबकी राय हेल्दी के साथ साथ हैप्पी हैप्पी भी हो। आप भी अपने सीक्रेट्स ओपन कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या कुछ तरीके अपनाते हैं बच्चों को जंक फूड से दूर रखने के लिए। तो अभी के लिए साइन ऑफ, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।